हेलो जी, आप सबकी दिवाली का सफाई कैसे चल रहा है? उम्मीद करती हूँ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो मेरा भी जो है ना अभी सफाई चल रहा है, तो मैंने किचन तो साफ़ कर लिया है और यहाँ पे ना मैं रूम साफ़ कर थोड़ी बहुत साफ़ कर ली हूँ। कुछ कुछ रह गया है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी अभी। और ना कल ही मैं चादर वगैरह सब कुछ चेंज करके धो दी थी, और ये जो कपड़े दिख रहे हैं ये सब कपड़े जो है कल के धुले हुए हैं, तो कपड़े भी सूख गए हैं। तो इसको पहले मैं भर के रख दूँगी, अभी तय नहीं लगाऊँगी। जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना तब मैं तय लगाऊँगी इन सबको, वरना अभी ये सब करने लगूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। ये जो बैग में कपड़े भर रही हूँ तो ये ना मैं अमेजोन से ली थी, लॉन्ड्री बैग है ये, और सच में बहुत काम की है। जैसे बेड पे कपड़े वगैरह ना फैला रहे ना तो इसमें भर के मैं रख देती हूँ, और बेड जो है अब मैं ठीक कर लेती हूँ। और हल्की फुल्की सुबह शाम ठंड होने लगी है तो मैंने कंबल भी निकाल लिया है, और यही सही नहीं लगता सर्दियों में, मुझे कंबल दुनिया भर के हो जाते हैं बेड पे तय लगाने के लिए, और बेड भी ना भरा भरा दिखता है। तो एक मोटी कंबल निकाली हूँ, बाकी दो हल्के कंबल निकाली हूँ। तो ये जो कंबल है इसको भी मैं कल धो दी थी, जब अक्टूबर में थोड़ी बहुत मौसम ठंड होने लगा था ना तभी का मैं निकाल रखी हूँ, तो ये भी गंदे हो रखे थे, तो कंबल सब कुछ धो ली हूँ मैं। ये जो ब्लॉग है ना इसमें 2 दिन का ब्लॉग होगा, संडे और मंडे का, क्योंकि संडे को मैं घर सफाई कर रही थी और बहुत ज़्यादा काम था। घर वगैरह अच्छे से साफ़ करी, फिर मैं घर धोई, और देखिए यहाँ पे ना मेरे बेटी ने ना भगत सिंह बना रखा है यहाँ पे तो कैसा है भगत सिंह आप लोग बताइएगा। फिर उसके बाद ना मैं कोई वीडियो नहीं लगाई क्योंकि घर वगैरह धो रही थी ना, बहुत काम हो गया था, बच्चों का स्कूल का जूते वगैरह भी धोई, काफ़ी लेट हो गया था। तो घर में ना मैंने पानी डाल के धोई है अच्छे से, क्योंकि रोज़ हम पोछा लगाते हैं पर कोने कोने में कूड़ा तो रह ही जाता है, लेकिन जब हम घर धो देते हैं ना तो कोने कोने से भी कूड़े निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की शुरुआत कर रही हूँ, और अभी ना दोपहर का टाइम है, तो अभी जो है ना मैं कुछ कपड़े निकाल रखी हूँ। इन कपड़े जो है ना सिलाई उधड़ गया इन सब कपड़े का, तो मैं सिलने जा रही हूँ। और ना मैं एक तोहफा लाई हूँ यहाँ, तो ये देखिए ये दो मैं गिफ्ट लाई हूँ, देना है ये, नामकरण है वहीं पे जाना है, तो बच्चे के लिए दो गिफ्ट लाई हूँ। आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है। तो एक जो है देखिए यहाँ पे, अब सर्दियों आ रही है ना उसी हिसाब से हमने कपड़े लिया है सर्दियों वाला ही, तो ये उलन का है, इसका छोटा सा क्यूट सा है, प्यारा सा, तो आप लोग देख सकते हैं बेबी बॉय है उसके लिए है ये, तो ये बेबी बॉय गर्ल दोनों पहन सकते हैं। और इसके साथ जो एक पैंट आई है छोटा सा, छोटे कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तो देखिए ना इसमें ना जैसे ये बच्चों की इसमें जो हाथ रहती है ग्लव्स, इसी में ज्वाइंट है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जो है एक छोटा छोटा दो जुराबे हैं, तो ये है। और इसको ना हम ये जो है जॉनसन बेबी को जो किट आती है वही है ये, इसको हम ना वहीं से पैक करा लिए हैं, और इसको जो है हम ऐसे ही ले आए हैं, प्यारा है ना, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे होते हैं तो इसको रख देती हूँ, अभी नहीं जाना है, अभी 9 तारीख को जाना है वहाँ पे, रख देती हूँ। वो जुराबे देखिए ना बहुत प्यारे प्यारे हैं, सही है ना। ये शाम का टाइम है और मैं आ गई थी छत पे, सुबह ही मैं मिर्चा धो के ना धूप में डाल दी थी सूखने के लिए। कुछ दिन से ना यहाँ पे धूप सही नहीं निकल रहा है,
आज धूप तेज़ था तो तभी मैंने मिर्चा डाला, लेकिन ना दोपहर के टाइम से फिर से ना धूप जो है ना कम हो गया था। तो सर्दियों में जब हमें धूप की ज़रूरत रहती है तो धूप जो है ना ऐसे ही निकलता है, और गर्मियों में तो बहुत तेज़ निकलता है जब हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मिर्चा जो है अच्छे से सूख गया था और कुछ मिर्चे जो है ना नीचे गिर गए थे, तो इसको भी जो है मैं अभी उठा लेती हूँ और तुरंत जाके ना मैं इसको पीस के पाउडर बना लूँगी। अगर ऐसे मैं रख दूँगी ना तो फिर से मिर्चे जो है सील जाएंगे। नीचे कमरे रूम वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है, अब ना छत रह गया है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, कल इस पे झाड़ू लगाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ नीचे, अभी मुझे चाय भी बनाना है और मिर्चा भी मैं पीस लूँगी। और अभी ना मुझे दिवाली के लिए लाइट्स वगैरह भी चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ लाइट्स हमने निकाल रखा है, कुछ लाइट जो है ना मेरे हस्बैंड कल ख़रीद के लाए थे और कुछ पुराने लाइट है, वही हम सब चेक कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा लाइट सही है कौन सा बेकार है। अब दिवाली आ गई है तो भले ही घर आधा अधूरा बना है, लेकिन घर तो डेकोरेट करना पड़ेगा, साल में एक बार त्यौहार आती है। तो होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी।